बीपीएससी और कई एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। आपका पहला प्रश्न है, 20 जून 2024 को पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया और रूस अपने नए हस्तरक्षित समझौते के तहत क्या प्रदान करने पर सहमत हुए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सैन्य सहायता के। आपका अगला प्रश्न है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता निर्धारित करना। आपका अगला प्रश्न है, किस एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा आयोजित की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपका अगला प्रश्न है, विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान सामान्य के लिए नया एमसीपी क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ₹2,300 पर क्विंटल। आपका अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संदीप लामिछाने। आपका अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में दिल्ली एमसीडी कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार को। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में बनाया जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। आपका अगला प्रश्न है, पाओ नुर्मी गेम्स 2024 एथलीट्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा जी ने। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वयं और समाज के लिए योग। धन्यवाद।